हुआ करते थे। हर इलाके में ऐसे ठाकुर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं ऐसे ठाकुर, वैसे ही वो भी ठाकुर थे। उनका उनमें जो एक कहते हैं ना कि ठाकुरों में एक स्वाभिमान होता है, उनमें स्वाभिमान। जय भोले शंकर जी की, सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों ये वीडियो देख के कई मेरे भाइयों को बुरा लगने वाला है, क्योंकि आज उनकी जो पोल है ना वो हम खोलेंगे। ऐसे आपको 90% बंदे दिखेंगे और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा महान राजपूताना बर्बाद कर रखा है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिनका जिगरा छोटा है वो चैनल छोड़ के अभी निकल जाएं, हम वैसे भी किसी को बुलाते नहीं हैं। एक जी राजस्थान की बात है, वहाँ एक बहुत ही वेल नोन ठाकुर हुआ करते थे। हर इलाके में ऐसे ठाकुर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं ऐसे ठाकुर, वैसे ही वो भी ठाकुर थे। उनका उनमें जो एक कहते हैं ना कि ठाकुरों में एक स्वाभिमान होता है, उनमें स्वाभिमान नहीं था, उनमें अहंकार था। अहंकार भी ऐसा था कि जी मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। एक बार वो जाते हैं गंगा स्नान करने, और आपको पता है गंगा तो सबकी है, उनकी अकेली की थोड़ी है। वो जाते हैं और वो घाट के ऊपर स्नान करने लगते हैं। अभी वो स्नान करने को होते ही हैं कि कोई आता है उनके आगे चल के स्नान करने लगता है। तो वो सोचते हैं कि मैं तो ठाकुर हूँ, मेरे से आगे कोई कैसे स्नान कर सकता है। वो वहाँ से निकलते हैं और उससे आगे जाके स्नान करने लगते हैं। इतने में कोई और आता है और वो उनसे आगे स्नान करने लगता है, तो उनके मन में आता कि ये कौन है मेरे जो आगे स्नान कर रहा है, मैं ठाकुर हूँ, मेरे से आगे कौन जा सकता है। ये सोच के जी वो जो ठाकुर थे वहाँ से फिर निकलते हैं और उससे आगे जाते हैं, आगे स्नान करने को लगते हैं। इतने में कोई होर आ जाता है। ये देख के ठाकुर कहता है मैं तो ठाकुर हूँ, मेरे से आगे कोई कैसे आ सकता है। उसके बाद ठाकुर बाहर आता है और बाहर आके जहाँ पे बहाव बड़ा तेज होता है ना, बड़ा तेज बहाव, वहाँ जाके वो नहाने लगता है। इतने में उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है और स्लिप होके सीधा गंगा जी में पड़ता है और बहने लगता है। और बहते 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 जब तीसरे वाले के पास पहुँचता है ना, वहाँ पे एक सेठ स्नान कर रहा होता है। सेठ उसका हाथ पकड़ने लगता है, वो हाथ छटक के कहता है उसको, हट, तूने मुझे छुआ कैसे, मैं तो ठाकुर हूँ। सेठ कहता है जी गलती हो गई ठाकुर साहब, आप जाइए। अब थोड़ी सी दूर ठाकुर साहब बहते हुए जाते हैं और डूब कर मर जाते हैं। तो अभी मुझे आप बताइए, इस जो पूरी घटना में कौन गलत हुआ? एक बंदे का अहंकार गलत हुआ ना। ऐसे ही कई जो हमारे समाज में बंदे हैं, जो ना एक जोक होती है ना जोक, वो जोक की तरह ही ऐसे लोग हैं जो कि समाज को पूरा खराब करते हैं। उनमें अहंकार का भाव इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरे सामने। अरे यार महामूर्खो, तुम श्री राम जी को जय श्री राम कहते हो ना, कभी श्री राम जी से कुछ सीखा? जमीन पर रहना, महाराणा प्रताप जी की हर साल जयंती मनाते हो, महाराणा प्रताप जी से क्या सीखा? जमीन पर रहना। अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप भाई राजपूत नहीं हो। किसी मेरे भाई को बुरा लगे तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए ना कि जो नहर में डूबने वाला ना, गंगा जी में डूबने वाला बंदा, वैसे बंदे दोबारा दिखने नहीं चाहिए राजपूताना में। अगर हमारे यहाँ हुकुम से परिवार में हैं तो भाई जाइए आप, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। यहाँ पे पक्के और सच्चे देशभक्त और राजपूत ही आते हैं। सभी का आभार। जय बोलो।